इंडिया में कुछ साल पहले तक ऑनलाइन भुगतान में लेन देन को निपटाने के लिए घंटों लग जाते थे, लेकिन अब यूपीआई और डिजिटल वॉलेट से कोई भी आदमी झटपट से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। बढ़ते उपयोग के साथ अब हम भारत के हर नुक्कड़ पर यूपीआई क्यूआर कोड देख सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला जहां पर एक भिक्षा साधक को क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करते देखा गया। और मजे की बात यह है कि यह क्यूआर कोड उसके सजे हुए भैंसे के सिर पर बंधा हुआ था और एक व्यक्ति भुगतान करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा था। यह वीडियो हमारे देश की वित्त मंत्री ने शेयर किया, यह कहते हुए कि ऑनलाइन क्रांति की शुरुआत अब इंडिया में हो चुकी है। गाइस, इस डिजिटल क्रांति के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस बार दिवाली के मौके पर देश भर में नागरिकों ने भारी खरीदारी की, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ हुई है, जो कि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से नीचे चली गई थी। इस साल दिवाली पर पूरे देश भर में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, जो कि पिछले 10 सालों में अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है। अकेले दिल्ली में ये कारोबार करीब 25,000 करोड़ रुपए का था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार देश भर के बाजारों में चीनी सामान बिल्कुल नहीं बिका और ग्राहकों ने सिर्फ भारतीय सामान ही खरीदा, जिससे चीन को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और उतना ही फायदा भारतीय व्यापारियों को हुआ। गाइज, हम सबके फेवरेट यूट्यूबर भुवन बाम एक बार फिर से अपनी नई सीरीज ढिंडोरा को लेकर चर्चा में है, और अगर आपने गौर किया हो तो इस सीरीज के 3rd एपिसोड में एक ही फ्रेम में भुवन बाम के 5 करेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उस पूरे सीन को एक ही शॉट में फिल्माया गया है, पर सवाल ये उठता है कि भुवन बाम तो एक ही है, फिर उनके 5 करेक्टर एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में कैसे फिल्माए गए? क्या आप जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर मोशन रिग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे आप एक ही पर्सन के अलग अलग करेक्टर को एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में फिल्मा सकते हैं। गाइस, जलवायु परिवर्तन को लेकर यूएन की एक बैठक चल रही थी और उसी वक्त असेंबली हॉल में अचानक से एक डायनासोर की एंट्री होती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, विलुप्त हो चुके डायनासोर को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। पर वो डायनासोर किसी को मारने नहीं आया था, बल्कि उस मंच से लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरे के बारे में बताने आया था। उसने अपने भाषण में कहा कि हम हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे, अब आप भी इसी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। असल में यह सब यूएन असेंबली में अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया गया था। गाइस, आपको यूएन असेंबली का डायनासोर दिखाकर जलवायु परिवर्तन पर ध्यान खींचने का यह आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।